आप कहते हैं कि कोई व्यक्ति राजनीति में आता है तो परिवारवाद है, लेकिन बीजेपी को अपने गिरिबान में झांककर देखना चाहिए कि उनके कितने सांसद विधायक हैं जिनके माता पिता खुद राजनीति में हैं। और मैं उन लोगों में से हूं जो मानता हूं कि कोई व्यक्ति अगर राजनीति में जनसेवा करना चाहता है तो उसके पिता माँ बाप दादा नाना नानी क्या है क्या नहीं वो उसकी एडवांटेज नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो उसकी डिस्क्वालिफिकेशन भी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपने दम पर जनता के बीच में जाकर मेहनत कर लाखों लोगों का वोट प्राप्त कर जनतंत्र में जीत कर आता है तो उसका सम्मान करना चाहिए। भाजपा दो ही नीति अपनाती है, उनके अनेकों नाम है, मैं लेना नहीं चाहता हूं, लेकिन राजस्थान पंजाब मध्य प्रदेश महाराष्ट्र भाजपा के नेताओं के बच्चे राजनीति करते हैं तो वो परिवारवाद नहीं है। कांग्रेस में कोई व्यक्ति चुनाव जीत कर आता है एक बार दो बार तीन बार चार बार अपने दम पर तो परिवारवाद की संज्ञा में आता है। मुझे लगता है कि भाजपा और प्रधानमंत्री जी के पास अब मुद्दे बहुत कम हो गए हैं 10 साल के अंदर, क्योंकि चर्चा नहीं कर रहे हैं वो शिक्षा की, चिकित्सा की, निवेश की, रोजगार की, खाद की, बीज की, बिजली की, पढ़ाई की, पानी की, पढ़ाई की चर्चा नहीं करनी। सिर्फ कांग्रेस को ही जो उनको चरित्र हनन करने का एक उन्होंने प्रण ले रखा है और पूरी भाजपा उनकी लाइन को फॉलो करती है। सार्थक ये होता है देश के लिए, आज जरूरत क्या है, नोबडी फ्रॉम द गांधी फैमिली हैज बिकम प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर। टुडे वी हैव मल्लिकार्जुन खड़गे जी, लिसन, हियर मी आउट, लेट मी फिनिश। मिस्टर खड़गे कंटेस्टेड द इलेक्शंस ऑफ द कांग्रेस प्रेसिडेंट, शशि थरूर फॉट अगेंस्ट हिम, इट इज एन ओपन इलेक्शन, देश की हर राजधानी में वोट पड़े, हमने वोट डाला, शशि थरूर को कुछ वोट मिले, बहुमत खड़गे जी को मिला, वो अध्यक्ष बन गए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं भाजपा के अंदर नड्डा जी अध्यक्ष कैसे बने, किसने उनको नॉमिनेट किया, कहां वोट पड़े, किसने नामांकन भरा, किसी और दल में होता है ऐसा? आप सारे सवाल कांग्रेस से पूछते हो, हमारी पार्टी में चुनाव तो होता है ना, चाहे लेट सही, पिछली बार चुनाव हुआ एक उम्मीदवार थी श्रीमती सोनिया गांधी, सबने नानी को चुनाव कर लिया, इस बार वोट पड़े बैलेट पेपर के अंदर तो एटलीस्ट हम एक गर्व से बोल सकते हैं कि हमारी पार्टी में चुनाव हुआ। राहुल गांधी जी पार्टी के अध्यक्ष नहीं है, ना ही सोनिया गांधी जी हैं, वो पार्लियामेंट्री पार्टी के अध्यक्ष हैं, लेकिन जो भी अध्यक्ष कोई पार्टी चुनती है सर्वसम्मति से या मतदान के माध्यम से उसका रिस्पेक्ट तो करना चाहिए। लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि जो ये फैसिनेशन है और ये ऑब्सेशन है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर 10 साल का लंबा कार्यकाल है, एक दशक बीत गया पल्लवी जी, अब समय आ गया, रिपोर्ट कार्ड दिखाइए ना। वो दिखाएंगे, दिस गोइंग टू बी अ व्हाइट पेपर, आई एम गोइंग टू कम टू दैट।